Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia PG College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In the lecture series of entomology, today I will deliver my talk on digestive system of insects. जैसा कि आपको पता है, लोया कॉलेज चूरू के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा एंटोमोलॉजी की एक विशेष लेक्चर सीरीज आयोजित की जा रही है. आज की व्याख्यानमाला के संदर्भ में मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे आपसे शेयर करूँगा. डाइजेस्टिव सिस्टम पे मेरा जो टॉक है, लेक्चर है, वे मैं डिलीवर करूँगा. सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट. अब इंसेक्ट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बेसिकली इसके दो पार्ट हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट है इसमें एलिमेंट्री कैनाल या आहार नल, और इसका सेकंड पार्ट होगा एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित पाचन ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो पाचन तंत्र के दो भाग हैं. फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आहार नाल है या एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड पार्ट जो है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचन ग्रंथियाँ. अब एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल को मुख्य रूप से तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट पार्ट इज फोरगट या स्टोमोडियम, सेकंड पार्ट इज मिडगट या मिजेंट्रॉन, थर्ड पार्ट हाइंड गट या प्रोक्टोडियम. तो पूरी जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके तीन मेन जोन हो गए. पहला पार्ट फोरगट या स्टोमोडियम या अग्रहार नाल, सेकेंड पार्ट हो गया मिडगट या मिजेंट्रॉन या मध्यहार नाल, और तीसरा भाग हो गया इसमें हाइंड गट या प्रोक्टोडियम या पश्च भाग पश्चहार नाल. अब इसमें फोरगट और हाइंड गट जो होती है, ये एक्टोडर्मल ऑरिजिन की होती है. फोरगट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन. इसी तरह हाइंडगट जो होती है, ये भी एक्टोडर्मल ऑरिजिन की होती है, लेकिन मिडगट जो होती है, इसकी फॉर्मेशन एंडोडर्म के द्वारा होती है. So among these three regions of alimentary canal, foregut and hindgut are ectodermal in origin, while midgut is endodermal in origin. क्योंकि यहाँ पर foregut और hindgut, इसकी formation ऐसा मानते हैं कि entanglement के invagination से होती है. तो जिस तरह कल के chapter में अपने जैसे skin का जैसे chapter पढ़ा था, और skin में जैसे सबसे बाहर cuticle होती है, उसके नीचे फिर epidermis होती है, फिर कनेक्टिव टिश्यू की बेसमेंट मेम्ब्रेन्स होती है. अब इसके अंदर क्या होगा, क्यूटिकल का आवरण भीतर की तरफ है, स्किन में क्यूटिकल का आवरण बाहर की तरफ है. अब क्यूटिकल का आवरण बाहर की तरफ है और स्किन अंदर जब इन्वेजिनेशन होता है, तो इस ट्यूब की जो इनर लाइनिंग होती है, इनर मोस्ट लाइनिंग, वो क्यूटिकल के द्वारा रेखित होती है. तो एलिमेंट्री कैनाल के तीन भाग हो गए, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट. फोरगट के अंदर चार मुख्य रचनाएं होती है, फेरिंक्स. फर्स्ट पार्ट इज फेरिंक्स, सेकंड पार्ट इज इसोफेगस, थर्ड पार्ट इज क्रॉप, फोर्थ पार्ट इज प्रोवेंट्रिकुलस. तो अग्रहार नाल के अंदर तीन मेन रीजन्स हैं इसके अंदर, आगे आगे फेरिंक्स, इसके पश्चात इसोफेगस, इसके बाद में क्रॉप, और क्रॉप के बाद में प्रोवेंट्रिकुलस. और मिडगट के अंदर दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती है, एक तो स्टोमक या आमाशय है, और सेकंड जो स्ट्रक्चर है दैट इज हिपेटिक सीकी या गैस्ट्रिक सीकी या गैस्ट्रिक सीकम. और हाइंडगट जो होती है, हाइंडगट के अंदर दो मेन रीजन्स हैं इसमें, एक तो इंटेस्टाइन, सेकेंड पार्ट इज रेक्टम. और इंटेस्टाइन जो होती है,
इटेसन के भी दो स्पेशल क्रिएशन हैं, इसमें दो स्पेशल डिमार्केशन है. फर्स्ट इज इलियम, सेकंड इज रेक्टम. तो ये पूरी एक एलिमेंट्रिक नल का एक फ्लो डायग्राम है, इसके डिवीजन सब डिविजन्स. और पाचन ग्रंथियां जो होती है, ये ग्रंथियां मुख्यतः स्ट्रक्चर की बेसिस पे दो टाइप की है. एक तो एसिनार टाइप की, एसिनार टाइप की जो ग्रंथियां होती है वो अंगूर के गुच्छे के समान होती है, यानी इसके अंदर एल्यूलाइजेस स्ट्रक्चर है. और दूसरी जो ग्रंथियां होती है ये नलिकाकार होती है या ट्यूबुलर प्रकार की होती है. अब इसी पार्ट्स को, आहनल को, इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को छोड़कर एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स को इस फिगर में जैसे मैंने डिस्प्ले किया है. सबसे पहले माउथ, और माउथ जो होता है ये माउथ पार्ट्स के बीच में होता है हेड रीजन्स में. हेड वाला स्ट्रक्चर अपन पढ़ चुके हैं. बॉडी का सबसे, इंसेक्ट में बॉडी जो होती है वो तीन पार्ट मिडवाइड होती है. सबसे आगे हेड, उसके बाद में थॉरेक्स, उसके बाद में एब्डोमन. और हेड के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर माउथ पार्ट्स होते हैं. इसके अलावा उसमें कंपाउंड आई होती है, सिंपल आई होती है, एक जोड़ी एंटीना होती है. तो माउथ पार्ट्स के बीच में जो ओपनिंग होती है वो ओपनिंग क्या कहलाती है? माउथ. और माउथ जो होता है ये फिर एक छोटी कैविटी में खुलता है, इसको बोलते हैं बकल कैविटी या ओरल कैविटी. अब यहाँ पर माउथ और बकल कैविटी ये बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर्स है. मुश्किल से यूँ मान के चले कि 1 mm से लेके 3 mm तक ये पार्ट होता है. वो डिपेंड करता है इंसेक्ट की लंबाई कितनी है. अब इंसेक्ट होने को तो मान लीजिए मॉस्किटो है, मच्छर है, बहुत छोटा होता है, मुश्किल से 3 mm 4 mm का. लेकिन उस इंसेक्ट के अंदर भी ये सारे सिस्टम्स प्रजेंट हैं. छोटी जो चींटियाँ होती है फॉर्माइका, उसके अंदर भी सारे सिस्टम्स अवेलेबल है. तो यहाँ पर माउथ और बकल कैविटी ये बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं, और इनको माइक्रोस्कोप में देखने पर ही ये विजिबल होती है. लेकिन जो बड़े आकार के इंसेक्ट हैं, जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच का डिसेक्शन अपन करते हैं, ग्रास ओपर का डिसेक्शन अपन करते हैं, प्रेगमेंटिस का डिसेक्शन अपने करते हैं लेबोरेटरी में, तो इन एनिमल्स में डिसेक्शन के दौरान इन डिविजन्स को क्लियर कट अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं. अब बकल कैविटी के बाद में फिर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज फेरिंक्स. और फेरिंक्स जो होती है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ग्रसनी रचना है. इसके अंदर खुद की इंट्रिंसिक मांसपेशियां हैं वो पाई जाती है. और फेरिंक्स में मसल्स के कारण क्या होगा, इसके अंदर सक्शन टाइप की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है. विशेषकर ऐसे इंसेक्ट जो फ्लूड फीडर्स हैं, कई इंसेक्ट ऐसे हैं जो प्लांट के जाइलम में, फ्लोएम में अपने माउथ पार्ट को इंजर्ट करके उसके जाइलम के जो फ्लूड होता है, फ्लोएम में जो फ्लूड होता है उसको सक करते हैं. फाइटोफेगस प्रकार के इंसेक्ट हैं. कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो एनिमल्स में पंक्चर करके खून चूसते हैं, वो सैंगिवोर सबिट के. तो प्लांट सकिंग इंसेक्ट्स भी है, ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स भी है. उन इंसेक्ट्स में फेरिंक्स जो होती है इनकी मसल्स एक तरह से सक्शन पंप का कार्य करती है, एक तरह से चूसक पंप का कार्य करती है. और इन एनिमल्स में फेरिंक्स जो होती है विशेषकर डेवलप होती है, हाईली डेवलप्ड होती है. इसके बाद में जो पार्ट है दैट इज इसोफेगस, दिस पार्ट इज इसोफेगस. इसोफेगस है ये छोटी पाइप के समान रचना है. भीतर की तरफ ये क्यूटिकल के द्वारा रेखित होती है. इसमें कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है और वर्टिकल होती है. वर्टिकल होने का फायदा क्या होगा, इंसेक्ट जो भी भोजन खा रहा है, जो भी भोजन वो एंगल्फ कर रहा है, वो भोजन सारा स्लिपरी एक्शंस के द्वारा क्रॉप में चला जाता है. तो इसोफेगस है वो एक तरह से फेरिंक्स और क्रॉप के बीच में एक मिडिल पाथवे के रूप में काम करती है, एक तरह से मिडिल पैसेज का काम करती है. और ये थोड़ा लुब्रिकेटिंग भी होता है, क्योंकि क्यूटिकल है वो एक तरह से चिकनी होती है. क्यूटिकल के कारण क्या होगा, पूरा जो इसका पैसेज है वो चिकना हो जाता है, लुब्रिकेंट टाइप का हो जाता है. और लुब्रिकेंट होने से भोजन यहाँ पर अटकता नहीं है, और भोजन सीधा कहाँ चला जाएगा, क्रॉप के अंदर. क्रॉप जो है वो इसका डायलेटेड पार्ट है. अग्रहार्नल का सबसे बड़ा यदि कोई पार्ट है, सबसे फूला हुआ जो पार्ट है, बैलून के समान,
वो पार्ट क्या कहलाता है? क्रॉप। और इस क्रॉप के अंदर भोजन का स्टोरेज होता है, भोजन को यहाँ पर स्टोरेज किया जाता है, जिस तरह अपने बॉडी में आमाशय जैसे होता है स्टोर हाउस डायफ्राम से ऊपर, सॉरी डायफ्राम के नीचे, उसी तरह यहाँ पर क्रॉप है, ये भोजन के लिए एक तरह से स्टोरेज ऑर्गेन का कार्य करता है। यहाँ पर भी डाइजेशन नहीं होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसेक्ट में रीगर्गीगेशन होता है। रीगर्गीगेशन क्या होता है कि जो भोजन निकला हुआ है वो भोजन कई बार वापस उल्टी दिशा में जैसे फ्लो करता है, उस दौरान मिडगट के जो एंजाइम होते हैं वो कई बार फोरगट के अंदर आ जाते हैं। तो रीगर्गीगेशन जब होता है उस दौरान मिडगट के एंजाइमों के द्वारा थोड़ा बहुत डाइजेशन यहाँ पर संपादित हो जाता है, सैलिवरी ग्लैंड के एंजाइमों के कारण यहाँ थोड़ा बहुत डाइजेशन संपादित हो जाता है। बाकी इसमें कोई न तो किसी प्रकार का डाइजेशन होता है न किसी प्रकार का यहाँ पर अवशोषण होता है, कारण भीतर की तरफ क्यूटिकल का आवरण है और क्यूटिकल का जो आवरण होता है इसको इंटीमा बोलते हैं। यहाँ पर इसको क्यूटिकल नहीं बोलेंगे, इसको इंटीमा के नाम से जाना जाता है। और जब भी इंसेक्ट में निर्मोचन होता है, मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग के दौरान ये पुरानी क्यूटिकल जो होती है वो उतरती रहती है। तो क्रॉप इज द डायलेटेड पोर्शन ऑफ फोरगट या स्टोमोडियम। अब क्रॉप के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज प्रोवेंट्रिकुलस, ये अग्रहारनाल का अंतिम भाग है यूँ मान लो, या प्रोवेंट्रिकुलस फोरगट और मिडगट के बीच का जॉइंट है। और इस प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर यहाँ पर भी डाइजेशन नहीं होगा, लेकिन भोजन की यहाँ पर ग्राइंडिंग हो सकती है क्योंकि इस पार्ट में क्यूटिकल काफ़ी विकसित होती है। और विशेषकर ऐसे इंसेक्ट जो चीविंग बाइटिंग और चीविंग टाइप के होते हैं उनके अंदर इस पार्ट में क्यूटिकल के एक तरह से स्पाइन पाए जाते हैं, एक तरह से दांते पाए जाते हैं और इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, उसको गिजार्ड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भोजन की ग्राइंडिंग है वो देखने को मिलेगी, भोजन की पिसाई यहाँ पर देखने को मिलेगी और एक तरह से मैकेनिकल डाइजेशन जिसको अपन कह सकते हैं वो डाइजेशन यहाँ पर संपादित होता है। बाकी केमिकल डाइजेशन यहाँ पर संपादित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई सैलिवरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है। हाँ, रीगर्गीगेशन के द्वारा मिडगट के एंजाइम कई बार फोरगट में आ जाते हैं, तो उन एंजाइमों के द्वारा पार्शियल डाइजेशन यहाँ पर संपादित हो सकता है। अब प्रोवेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलस, वेंट्रिकुलस है ये मिडगट का ही पार्ट है, तो प्रोवेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलस इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्टोमोडियल वाल्व जो होते हैं पाए जाते हैं, पाइलोरिक वाल्व पाए जाते हैं और उन इन वाल्व के कारण यहाँ पर ये जो प्रोवेंट्रिकुलस और ये जो मिडगट है इनके जॉइंट के ऊपर वाल्यूलर टाइप की स्ट्रक्चर्स है और इन वाल्यूलर टाइप की स्ट्रक्चर्स के कारण क्या होगा, भोजन का जो फ्लो होता है, भोजन का जो प्रवाह होता है उसका यहाँ पर नियंत्रण होता है। तो भोजन फोरगट से मिडगट में तो आ जाएंगे, फोरगट से मिडगट में इनका प्रवाह हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, लेकिन मिडगट से फोरगट की तरफ ये प्रवाहित नहीं होते हैं क्योंकि वाल्व फिर इवर्ट होते हैं। जिस तरह अपनी बॉडी में भी अपने जैसे भोजन आपने जो भी खा लिया, मान लीजिए स्टोमक है सपोज, स्टोमक में ऊपर ऊपर जैसे कार्डियक वाल है, लास्ट में फिर पाइलोरिक वाल है, अब पाइलोरिक वाल से फिर भोजन डियोडिनम में जाता है, लेकिन कई बार उल्टी होती है अपने में, वॉमिटिंग होती है, उसमें स्टोमोडियल वाल होते हैं इवर्ट होते हैं, स्टोमोडियल वाल उलट जाते हैं और आमाशय में जो भी सेमी डाइजेस्ट फूड है वो फिर माउथ के द्वारा बाहर निकलता है। तो फोरगट के प्रोडक्ट मिडगट के प्रोडक्ट जब वापस उल्टी दिशा में प्रवाहित हों वो घटना रीगर्गीगेशन के नाम से जानी जाती है। तो ये एक बेसिक पार्ट है फोरगट का या स्टोमोडियम का। तो स्टोमोडियम में चार मेन रीजन्स हो गए, सबसे फर्स्ट पार्ट फेरिंक्स जो कि मस्कुलर होता है और इस मस्कुलर एक्शन के कारण ये सक्शन पंप का कार्य करती है। इसोफेगस है, ये पतली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक तरह से पाइप का काम करती है, भोजन के पैसेज के फ्लो में ये सहायक होती है। क्रॉप है, ये फोरगट का डायलेटेड पार्ट है, यहाँ पर भोजन का स्टोरेज किया जाता है। और प्रोवेंट्रिकुलस जो होती है ये काफ़ी मस्कुलर पार्ट है, क्यूटिकल इसके अंदर हाईली डेवलप्ड होती है और एक तरह से मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस पार्ट के अंदर वाल्व भी पाए जाते हैं, ये वाल्व भोजन को फोरगट से मिडगट में जो परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसका ये नियंत्रण करता है। अब फोरगट और मिडगट के जॉइंट पर
यहाँ पर ये 6 से 8 तक ब्लाइंड कैनाल के समान प्रोट्यूबरेंस पाए जाते हैं, अतिवृद्धियाँ पाई जाती है, इनको हिपेटिक सीका के नाम से जाना जाता है। और इस हिपेटिक सीका के अंदर माइक्यूलाई बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उन माइक्यूलाई के कारण एक तरह से ब्रूस बॉर्डर इसमें डेवलप हो जाता है, और ब्रूस बॉर्डर में स्पेशल एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, उन एंजाइम्स के कारण यहाँ पर ब्रूस बॉर्डर डाइजेशन होता है। तो आगे चलकर अब इसका डाइजेशन का प्रोसेस जब आएगा उसमें अपन देखेंगे। यहाँ पर एक तरह से काउंटर करंट सिस्टम जो होता है वो मिडगट के अंदर डेवलप होता है। तो हिपेटिक सीका में भी फाइनल डाइजेशन जो होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है कुछ हद तक, अले मैक्सिमम डाइजेशन नहीं होता है। तो फोरगट और मिडगट का जो जॉइंट है ये हिपेटिक सीका के द्वारा डिमार्केट होता है, डिफ्रेंशिएट होता है। अब इसकी हिस्टोलॉजी यदि देखें, फोरगट की तीनों पार्ट की हिस्टोलॉजी मैं डिस्कस करूँगा, फोरगट की, मिडगट की, हाइंडगट की। अब चूंकि मैंने बताया कि फोरगट का जो फॉर्मेशन है वो इंटेगमेंट के इन्वेजिनेशन से हो रहा है, इंटेगमेंट के अंतर्वलन से हो रहा है, तो जहाँ पर स्किन में सबसे बाहर क्यूटिकल होती है, यहाँ पर सबसे भीतर क्यूटिकल होती है। ये फोरगट का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया है। इस ट्रांसवर्स सेक्शन में सबसे बाहर कनेक्टिव टिश्यू, सबसे बाहर कनेक्टिव टिश्यू का आवरण, इसके नीचे फिर सर्कुलर मसल्स होती है, वर्तुल मांसपेशियां, सर्कुलर मसल्स के नीचे फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है, अनुदैर्ध्य मांसपेशियां, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के नीचे फिर इसमें एपिथीलियम होती है, दिस वन एपिथीलियम उपकला, और एपिथीलियम के नीचे इंटीमा, इंटीमा है एक तरह से क्यूटिकल का आवरण है, इंटीमा एक तरह क्यूटिकल ही है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल में इसको इंटीमा के नाम से जाना जाता है। तो पूरे फोरगट में भीतर की तरफ क्यूटिकल का एक पतला आवरण होता है, और क्यूटिकल का पतला आवरण होने के कारण पूरा फोरगट इम्परमिएबल होता है, अपारगम में होता है। यहाँ पर न तो भोजन का डाइजेशन होता है, न ही यहाँ पर पचे भोजन का अवशोषण होता है, क्योंकि क्यूटिकल है तो एक तरह से बैरियर लेयर है, इसमें कोई पोरोसिटी नहीं है, कोई माइक्रोलाई नहीं है, कोई ब्रूस बॉर्डर्स नहीं है। तो क्यूटिकल की प्रेजेंस के कारण यहाँ पर न तो डाइजेशन का प्रोसेस होगा, न ही यहाँ पर अवशोषण का प्रोसेस होगा। हाँ, रीगर्गीगेशन के द्वारा मिडगट के एंजाइम्स कई बार फोरगट में आ जाते हैं, तो उस केस में यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन या आंशिक प्रकार का जो पाचन है वो इस फोरगट में देखने को मिलेगा। तो ये एक फोरगट का अनुप्रस्थ काट है वो दिखाया है, और बीच में ये जो लुमेन जो खाली स्पेस जो दिखाई है ये अग्रहार नाल की कैविटी है। इसके अंदर भोजन का जैसे पैसेज मान लो, स्टोरेज मान लो, तो ये एलिमेंट कैनाल का फर्स्ट पार्ट, दैट इज फोरगट या स्टोमोडियम। और फोरगट के अंदर चार रसनाएँ हो गई है, फेरिंग्स, सेकंड स्ट्रक्चर इसोफेगस, थर्ड स्ट्रक्चर क्रॉप, और फोर्थ स्ट्रक्चर प्रोवेंट्रिकुलस। और प्रोवेंट्रिकुलस है, इसको गिजार्ड के नाम से भी अपन संबोधित कर सकते हैं। और इसके अंदर वाल्वुलर स्ट्रक्चर है जो भोजन के फोरगट से मिडगट में होने वाले पैसेज को कंट्रोल करती है। वाल्व शब्द जहाँ भी आएगा वहाँ पर ये मान के चले कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। वाल्व की डेफिनेशन क्या हो सकती है? ऐसी कोई भी डिवाइस, ऐसी कोई भी रचना जिसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो, ऐसी रचनाओं को वाल्व के नाम से जाना जाता है। अपने घरों में जैसे टोंटी में वाल्व होते हैं, ऊपर पानी चढ़ता है उसमें वाल्व होते हैं, हार्ट के अंदर वाल्व होते हैं, ये जो पहले जो CRT वाले जो टेलीविज़न होते थे उसके अंदर भी वाल्व होते थे, डायोड वाल्व। तो डायोड वाल्व में भी क्या है, करंट है वो एक तरफा ही प्रवाहित होता है। तो वाल्व ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके अंदर यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, एक तरफा जिसमें प्रवाह होता है। हाँ, वाल्व जब उलट जाते हैं, इवर्ट हो जाते हैं, उस केस में इसमें रिवर्स फ्लो हो सकता है। अपनी बॉडी में जब वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, उसमें वाल्व क्या होते हैं, खुल जाते हैं। तो कई बार कई बच्चे मैंने देखे हैं जो कुंजल प्रक्रिया करते हैं योगा की, जिसमें पानी पीते हैं, पानी को फिर वो वापस निकालते हैं। अब रोज़ाना इस तरह की जब प्रक्रिया करते हैं तो आमाशय के वाल्व की मांसपेशियाँ हैं वो धीरे धीरे लूज हो जाती है। कई बार नेचुरली उल्टी आती है, जैसे महिलाओं में देखा है, खाया और खाने के बाद में तुरंत उल्टी कर देते हैं,
उस केस में बाल की जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे लूज हो जाती है और आगे चलकर वो घातक सिद्ध होती है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट दैट इज फोरगट। अब इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट दैट इज मिडगट। अब इस एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पार्ट जो कि मिडगट है और एंडोडर्म के द्वारा इसकी ओरिजिन होती है। मिडगट के अंदर मुख्य रचनाएं जो है वो उसमें एक तो स्टोमक और हिपेटिक सीका। ये हिस्टोलॉजिकल सेक्शन जैसे दिखाया है। अब पहले फोरगट का जो सेक्शन था उसमें आपने देखा कि सबसे भीतर क्यूटिकल है, लेकिन यहाँ पर हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। इसमें सबसे बाहर पेरिटोनियम का आवरण है, मिडगट में सबसे बाहर पेरिटोनियम का आवरण। इस पेरिटोनियम के आवरण के नीचे फिर अनुदैर्ध्य मांसपेशियाँ होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के नीचे फिर सर्कुलर मसल्स होती है, जबकि फोरगट में आपने देखा सर्कुलर मसल्स बाहर थी, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स उसके नीचे थी। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स बाहर है और इसके नीचे सर्कुलर मसल्स हैं। इसके नीचे फिर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधारीय झिल्ली, और आधारीय झिल्ली के नीचे फिर होती है इसमें एंडोथीलियम टाइप की स्ट्रक्चर, उपकला टाइप की स्ट्रक्चर। और इस उपकला के अंदर तीन तरह की सेल्स आप देख रहे हो। एक तो इसके अंदर है रीजनरेटिंग सेल्स, दूसरी है इसमें कॉलमनर सेल्स, दिस इज फर्स्ट टाइप, दिस इज सेकेंड टाइप, और तीसरी इसमें होती है कैल्सीफॉर्म सेल। तो इस पार्ट के अंदर तीन तरह के सेल्स हैं, तीनों को मैंने अलग कलर में दिखाया है, जिसमें जैसे ये रीजनरेटिंग सेल्स है इसको वाइट कलर में इंडिकेट किया है, येलो कलर में है ये कैल्सीफॉर्म सेल है, और ब्लू कलर में जो रिप्रेजेंट करी है ये कॉलमनर सेल्स हैं। अब इसमें रीजनरेटिंग सेल्स जो होती है, रीजनरेटिंग नाम से स्पष्ट है कि इन सेल्स के अंदर रीजनरेशन होता है, क्योंकि जब जो डाइजेशन होता है इन सेल्स के अंदर डैमेज हो जाता होता है, तो डैमेज होने से इनकी रिपेयरिंग है वो चलती रहती है। और वैसे भी देखें तो कोई भी एनिमल हो सबसे ज़्यादा रीजनरेशन है वो इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि रोज़ाना करोड़ों की संख्या में सेल्स की डेथ होती है, उतनी सेल्स वापस बन जाती है। तो रीजनरेटिव सेल्स हैं, इनका मेन काम होता है कि कोशिकाओं के स्टॉक को मेंटेन करना, कोशिकाओं के स्टॉक को बैलेंस में बनाए रखना। और दूसरी जो कैल्सीफॉर्म सेल है, इसका मेन मकसद होता है कैल्शियम आयनों का सिक्रेशन करना। और कॉलमनर सेल जो होती है ये एक्चुअल में डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है। अब चूंकि इंसेक्ट की फीडिंग नेचर अलग अलग होती है, कुछ फाइटोफेगस इंसेक्ट होते हैं, कुछ सेंगिवोरस इंसेक्ट होते हैं, कुछ एंटोमोफेगस इंसेक्ट होते हैं, तो फीडिंग डाइट में जिस तरह के फूड सब्सटेंस होंगे उसके अकॉर्डिंग एंजाइमों की आवश्यकता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी इसमें मिलेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स मिलेंगे, एबनॉर्मल फूड प्रोडक्ट भी ये खाते हैं, जैसे घरों में कॉकरोच देखा होगा आपने, क्रिकेट देखी होगी, ये बालों को भी खा जाते हैं, चमड़े के जूते होते हैं उनको भी खा जाते हैं, टर्माइट जैसे होती है तो वो सेलुलोज को भी खा जाती है। तो अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग फूड प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं वो बनते रहते हैं। अब चूंकि एंजाइम जो हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, इट मीन्स इन कोशिकाओं में राइबोसोम का सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की मात्रा इन कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि एंजाइम है वो प्रोटीन प्रकृति के हैं। और एंजाइम का यदि संश्लेषण करना है तो उसमें राइबोसोम और अंतःपरदेह जालिका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अब कुछ इंसेक्ट फ्लूइड फीडर हैं प्लांट के, जैसे जाइलम के फ्लोएम के जो सैप होता है, प्लांट सैप होता है उसको ये जैसे सक करती है। कुछ जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट है उनमें उनका मुख्य वजन जैसे ब्लड होता है, तो इन फ्लूइड को स्टोर करने के लिए, इनको डाइजेस्ट करने के लिए मिडगट में क्या होता है, दो तरह के डिफरेंशिएशन देखने को मिलते हैं, जिसमें एक तो होता है एनाटॉमिकल डिफरेंशिएशन, एक होता है फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। तो पहले मैं आपसे एनाटॉमिकल डिफरेंशिएशन है ये शेयर करूँगा, और इसके बाद में एनाटॉमिकल डिफरेंशिएशन है वो शेयर करूँगा। ये जैसे एक जितने भी फ्लूइड फीडर इंसेक्ट होते हैं, इसमें क्या होगा, मिडगट के अंदर एक तरह का एक फिल्टर चैम्बर बन जाता है, इसकी जो एरिया है बहुत एनलार्ज हो जाती है, और इसके अंदर
हमारे जाइलम फ्लोएम के फ्लूड को ये सक कर रही है तो उसको इसमें धीरे धीरे फिल्टर किया जाता है। इसी तरह ब्लड सकिंग इंसेक्ट होते हैं, उसमें ब्लड एक साथ ही ले लिया जाता है, यानी पूरे 10-15 दिन का जो ब्लड फीडिंग डाइट है वो एक साथ ही इसके अंदर ग्रहण कर ली जाती है। अब ब्लड है चूँकि तरल होता है और उसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फिल्टर चैम्बर जो होता है इस फूड सब्सटेंस को फिल्टर करने का कार्य करता है। और ये एक तरह की स्पेशल स्ट्रक्चर है इसमें, और ये एनाटॉमिकल डिफरेंशिएशन के रूप में काउंट होती है। इसके अलावा फोरगट और मिडगट के जॉइंट पर अभी मैंने बताया कि ब्लाइंड कैनाल होती है, छोटी छोटी अंध नाल के समान रचनाएँ होती है, जिनको हेपेटिक सीका के नाम से जाना जाता है। और हेपेटिक सीका में ब्रूस बॉर्डर्स काफ़ी डेवलप्ड होता है, जो ये माइक्रोविलाई होती है काफ़ी डेवलप होती है। इन ब्रूस बॉर्डर्स में एंजाइम्स की लेयर पाई जाती है, और इन ब्रूस बॉर्डर एंजाइम्स के कारण यहाँ पर इनका डाइजेशन भी होता है। अब मिडगट में चूँकि क्यूटिकल की लेयर तो नहीं है, मिडगट में इंटीमा नहीं है, लेकिन मिडगट में क्या होता है कि पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन है वो डेवलप होती है। तो जैसे ये पार्ट है इसके अंदर बीच में एक मेम्ब्रेन है वो डेवलप हो जाएगी, इस मेम्ब्रेन को पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। और पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन है ये, क्यूटिकुलराइज नहीं है। इस मेम्ब्रेन की जो ओरिजिन है वो दो टाइप से हो सकती है, एक तो मोल्डिंग के रूप में, एक डीलेमिनेशन के रूप में। तो कुछ इंसेक्ट तो ऐसे हैं जिसमें मोल्डिंग के द्वारा इसकी फॉर्मेशन होती है। और मोल्डिंग कैसे होगा, जैसे मिडगट की जो सेल्स है उससे फ्लूड सिक्रीट होता है, और फ्लूड सिक्रीट होता है वो एक पाइप के समान एक ढांचे के अंदर ढल जाता है, जिस तरह प्लास्टिक चेयर होती है मोल्डेड फर्नीचर है, जैसे प्लास्टिक बोतल है मोल्डेड फर्नीचर, बाल्टी है जैसे मोल्डेड फर्नीचर। तो मिडगट की सेल्स के द्वारा तरल पदार्थ है वो स्रावित होता है, और ये तरल पदार्थ मोल्ड होके ये पाइप के समान रचना में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को अपन यूँ भी कह सकते हैं कि इंसेक्ट की मिडगट के अंदर पाइप के अंदर पाइप जैसी स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे सपोज ये मान लीजिए मिडगट है, मान लीजिए पाइप के जैसी स्ट्रक्चर, तो इस मिडगट के अंदर पेरियोट्रोफिक मेम्ब्रेन के कारण ये एक बीच में एक पाइप और बन गया, तो पाइप के अंदर पाइप, मिडगट है वो बड़ा पाइप हो गया, पेरियोट्रोफिक कारण छोटा पाइप बन गया। अब इस पेरियोट्रोफिक मेम्ब्रेन के कारण क्या होगा, इसमें दो स्पेस बन गए। पेरियोट्रोफिक स्पेस के ऊपर जो खाली स्थान है इसको एक्टो पेरियोट्रोफिक स्पेस बोलेंगे, और इसके भीतर जो है इसको एंडो पेरियोट्रोफिक स्पेस बोलेंगे। और इन दोनों स्पेस के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, काउंटर करंट का सिस्टम है वो इसके अंदर डेवलप होता है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट अपन करेंगे डाइजेशन का जो प्रोसेस है, उस डाइजेशन के प्रोसेस में आप देखोगे कि पहले जो एंडो पेरियोट्रोफिक स्पेस है उसमें भोजन आगे से पीछे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो भोजन जो जो आगे से पीछे की तरफ फ्लो होता है उसका थोड़ा बहुत डाइजेशन हो जाता है, उनके पार्टिकल का डायमीटर है वो छोटा हो जाता है, और ये फूड पार्टिकल्स फिर एंडो पेरियोट्रोफिक स्पेस से पेरियोट्रोफिक मेम्ब्रेन को भेजते हुए एक्टो पेरियोट्रोफिक स्पेस में आते हैं, और वहाँ से ये फूड पार्टिकल फिर पीछे से आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं, और बाद में फिर ये हेपेटिक सीका में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर एंडो पेरियोट्रोफिक स्पेस में जैसे मोमेंट है, एक्टो पेरियोट्रोफिक स्पेस में मोमेंट है, और फाइनल डाइजेशन है वो हेपेटिक सीका में होता है, वहाँ से इसका फिर हीमोलिम्फ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये इस पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन है, पहली जो फॉर्मेशन है ये मोल्डिंग के रूप में, और दूसरा जो तरीका इसमें होता है वो होता है डीलेमिनेशन के रूप में। तो डीलेमिनेशन में क्या होता है, जैसे मिडगट की जो भीतर की जो एंडोथीलियम लेयर्स हैं उससे पूरी सेलुलर लेयर उतरती है, डीलेमिनेट होती है, जिस तरह गैस्ट्रेशन के दौरान डीलेमिनेशन होता है इंसेक्ट के अंदर, इसमें सॉरी बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, तो उसमें देखा होगा ऊपर की जो एपिब्लास्ट की जो लेयर होती है मल्टीलेयर्ड होती है, उसमें एक लेयर पूरी डीलेमिनेट हो गई। तो डीलेमिनेशन के द्वारा भी पेरियोट्रोफिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, जिस तरह अपने कढ़ाई में पूड़ी जैसे डालती हुई फूल जाती है, पूड़ी फूलते देखा होगा आपने, दो लेयर बन गई, अभी दो लेयर बन गई, इसका मतलब यहाँ पर डीलेमिनेशन का प्रोसेस है। तो पेरियोट्रोफिक मेम्ब्रेन की उत्पत्ति दो विधियों से हो सकती है, पहली विधि बाय मोल्डिंग,
और सेकंड मेथड बाय डीलेमिनेशन। मोल्डिंग के अंदर मिडगट की सेल्स के द्वारा तरल पदार्थ स्रावित होगा और वो तरल पदार्थ एक सांचे के रूप में, एक पाइप की जैसी स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मिडगट में पाइप के अंदर पाइप जैसी, यानी ट्यूब इन ट्यूब, ट्यूब इन ट्यूब, नली के अंदर नली जैसा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कई बार डीलेमिनेशन के द्वारा भी इनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये महत्वपूर्ण इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन है। और इंटीमा यहाँ पर नहीं पाई जाएगी, यह बात आप ध्यान रखें। अब चूँकि मिडगट में एंजाइम्स भी यहाँ पर सीक्रेट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस भी होगा, अवशोषण का प्रोसेस भी होगा। अब इसके बाद में इसका जो सेकंड जो पार्ट है, फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि एनाटॉमिकल डिफ्रेंशिएशन जैसे हो गया है, और एनाटॉमिकल डिफ्रेंशिएशन विशेष रूप से फ्लूइड फीडर इंसेक्ट जो होंगे, चाहे वो प्लांट का फ्लूइड हो, चाहे एनिमल का ब्लड सकिंग हो, फ्लूइड फीडिंग इंसेक्ट में फिल्टर चैम्बर नामक स्पेस रचना जो है वो पाई जाती है। और फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन के दौरान क्या होगा, इस मिडगट के अलग अलग जोन्स में अलग अलग अब्सॉर्प्शन के क्षेत्र बन जाते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में कहीं सोडियम का अब्सॉर्प्शन हो रहा है, कहीं पोटेशियम का अब्सॉर्प्शन हो रहा है, कहीं ग्लूकोज का अब्सॉर्प्शन हो रहा है, कहीं पानी के मॉलिक्यूल का अब्सॉर्प्शन हो रहा है। तो अब्सॉर्प्शन की बेसिस में उसमें अलग अलग 5 स्पेशल जोन बन जाते हैं, डिमार्केशन जोन बन जाते हैं, और अलग अलग जोन्स में उनमें अलग अलग आयनों और अणुओं का अब्सॉर्प्शन होता है। मिडगट में एनाटॉमिकल डिफ्रेंशिएशन जैसे फिल्टर चैम्बर के रूप में पाया जाता है, उसी तरह इसके अंदर फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन भी होता है। और ये फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन जो है, ये एक्चुअल में हिस्टोलॉजिकल सेक्शन के आधार पर है। यदि मिडगट के, मान लीजिए अपन माइक्रोटोमी के द्वारा स्लाइड बनाएं, तो अलग अलग रीजन्स में आप देखोगे कि अलग अलग रीजन्स में हिस्टोलॉजिकल सेक्शन में अलग अलग तरह के वेरिएशंस देखने को मिलती है। कुछ पार्ट के अंदर माइक्रोलेकम होती है, कुछ पार्ट में कोशिकाएं ज़्यादा होती है, और इसमें फिर अलग अलग जोन्स में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मॉलिक्यूल्स आयनों का अवशोषण होता है। जैसे इस फिगर में जैसे दिखाया है, इसमें इसका जैसे ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर वाटर का अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम देखने को मिलेगा। इस पार्ट के अंदर वाटर का अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम देखने को मिलेगा। यहाँ पर एमिनो एसिड और शुगर का अवशोषण होता है, यहाँ पर वाटर का अवशोषण होता है। इसके नीचे फिर जितने भी आयन्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इनका अब्जॉर्प्शन होता है। इस ये यू लूप जो है, इसके अंदर स्टोरेज एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा, और स्टोरेज एक्सक्रीशन में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इनकी रिसाइकिलिंग होती है। यहाँ पर पोटेशियम आयनों का फ्लो होता है, यहाँ पर वाटर का फ्लो होता है। और ये वाला जो पार्ट है मेलपिजिन ट्यूबुल, मेलपिजिन ट्यूबुल में भी डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है, प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट। तो इसके प्रॉक्सिमल पार्ट, डिस्टल पार्ट में अलग अलग आयनों और अणुओं का जैसे अब्सॉर्प्शन होता है। अब ये जो इसके जो जोन है, इसके अंदर डिमार्केशन जोन, जैसे दिस इज फर्स्ट जोन, दिस इज सेकंड जोन, दिस इज थर्ड जोन, दिस इज फोर्थ जोन, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज फिफ्थ जोन। अब मिडगट के एंटीरियर पार्ट में तो जहाँ पर हिपेटिक सीका प्रेजेंट है, यानी फोरगट और मिडगट के जॉइंट के ऊपर हिपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इसी तरह मिडगट और हाइंडगट के जॉइंट्स पर मेलपिजिन ट्यूबुल्स होती है। मेलपिजिन ट्यूबुल की डिस्कवरी मेलपिगी नामक साइंटिस्ट ने की थी, तो उन साइंटिस्ट की याद में, उनकी मेमोरी में इनको मेलपिजिन नलिकाओं का नाम दिया है। और मेलपिजिन नलिकाएं हैं, वो भी दो तरह का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। कुछ इंसेक्ट में तो मेलपिजिन ट्यूबुल है वो फ्री है, हिमोलिम के अंदर स्वतंत्र रूप से लहराती रहती है। और कई बार क्या होता है, मेलपिजिन ट्यूबुल जो होती है उसका ये जो टर्मिनल पार्ट है ये रेक्टम के साथ अटैच हो जाता है, उसको फिर क्रिप्टोनेफ्रिडियल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्रिप्टोनेफ्रिडियल सिस्टम जो होता है ये जनरली डिजर्ट इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा, जिनको वाटर लॉस का सामना बहुत करना पड़ता है। तो जल के संतुलन को बनाने के लिए, वाटर के बैलेंस को बनाने के लिए, उसमें क्या होगा, रेक्टम के अंदर जो पानी होता है उसका भी वहाँ पर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। तो डिजर्ट इंसेक्ट जो होते हैं उनके अंदर जनरली क्रिप्टोनेफ्रिडियल सिस्टम जो होता है वो देखने को मिलेगा। अब
मिडगट में जहाँ पर एंटीमा नहीं होती है, मैंने आपको बताया मिडगट के अंदर क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर पेरियोट्रोफिक मेम्ब्रेन है वो बनती है, और पेरियोट्रोफिक मेम्ब्रेन मोल्डिंग के द्वारा भी बन सकती है, जिसके अंदर है पाइप के अंदर पाइप जैसी रचना जैसे बन जाएगी, और या फिर डिलेमिनेशन के द्वारा भी इसकी फॉर्मेशन होती है। और पेरियोट्रोफिक मेम्ब्रेन जब बनती है तो मिडगट के अंदर दो स्पेस बन जाते हैं, जैसे ये जैसे मैंने पार्ट दिखाया है, ये जैसे फोरगट और मिडगट का जॉइंट, यहाँ पर हिपेटिक सीका प्रेजेंट है, ये मिडगट और हाइंडगट का जॉइंट, यहाँ पर मेलपीजियन ट्यूबल्स प्रेजेंट है, और इस मिडगट में ये येलो कलर में जो लाइन मैंने दिखाई है ये पेरियोट्रोफिक मेम्ब्रेन्स हैं। अब इस पेरियोट्रोफिक मेम्ब्रेन का ये बीच का जो स्पेस है हॉलो स्पेस, इसको तो बोलेंगे एंडो पेरियोट्रोफिक स्पेस, और पेरियोट्रोफिक मेम्ब्रेन के ऊपर का जो पार्ट है यानी इसके चारों ओर का जो खाली स्पेस है इसको बोलते हैं एक्टोपेरियोट्रोफिक स्पेस। अब भोजन जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर फोरगट से मिडगट में एंटर कर रहा है, भोजन जो ही फोरगट से मिडगट में एंटर करेगा ये भोजन एंटीरियर पार्ट से पॉस्टीरियर पार्ट की तरफ प्रवाहित हो रहा है, किसमें एंडोपेरियोट्रोफिक स्पेस में। अब यहाँ पर जो ये भोजन पैसेज होगा इसका यहाँ पर डाइजेशन होता है, डाइजेशन होता है तो इनकी साइज क्या होती है छोटी हो जाती है। अब ये छोटी साइज हो जाती है तो ये मॉलिक्यूल फिर एंडोपेरियोट्रोफिक स्पेस से एक्टोपेरियोट्रोफिक स्पेस में प्रवेश करते हैं, और एक्टोपेरियोट्रोफिक स्पेस में ये मॉलिक्यूल फिर पीछे से आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर काउंटर करंट सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया है। एंडोपेरियोट्रोफिक स्पेस में तो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में, और एक्टोपेरियोट्रोफिक स्पेस में मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन में। अब ये मॉलिक्यूल पीछे से आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे और ये फिर हिपेटिक सीका में एंटर करते हैं, और हिपेटिक सीका के अंदर ब्रूस बॉर्डर होता है, माइक्रोलाइ बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, इन ब्रूस बॉर्डर के ऊपर एंजाइम्स होते हैं जिनको ब्रूस बॉर्डर एंजाइम्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हिपेटिक सीका में इनका फिर फाइनल डाइजेशन होता है, और ये फाइनल डाइजेस्टेड प्रोडक्ट वो जनरली मोनोमर्स होते हैं, प्रोटीन है तो एमिनो एसिड्स बन जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट है तो मोनोसैकेराइड्स बन जाएगी, और ये मोनोमर मॉलिक्यूल है ये फिर डिफ्यूजन के द्वारा इस हीमोलिम्फ के अंदर एंटर करते हैं, और कई बार ये मेलपीजिन ट्यूबुल है ये इस रेक्टम के साथ जैसे अटैच हो जाएगी, उस केस में इसको क्रिप्टोनेफ्रिडियल सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। तो ये मिडगट का जैसे पार्ट है, तो फोरगट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है, फोरगट डिस्क्रिप्शन ओके, मिडगट डिस्क्रिप्शन ओके, और मिडगट में दो पार्ट मैंने आपको बताए हैं स्टोमक और हिपेटिक सीका। अब इसका जो टर्मिनल जो पार्ट है लास्ट पार्ट दैट इज हाइंडगट या प्रोक्टोडियम, और हाइंडगट में दो मुख्य रचनाएं होती है, एक तो इंटेस्टाइन होती है एक रेक्टम होती है। इंटेस्टाइन में भी दो पार्ट हैं, आगे का पार्ट इलियम, पीछे का पार्ट जो होता है वो रेक्टम, और इलियम जो होता है इसके अंदर पेरियोट्रोफिक मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर कोई नहीं मिलेगी है, और यहाँ पर कोई डाइजेशन का प्रोसेस भी इतना डेवलप नहीं होता है, और क्यूटिकल है वो इसके अंदर पाई जाती है, और इस के अंदर जो मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन दो देखने को मिलेगा इसके अंदर हाइंडगट के अंदर, उस हाइंडगट में कई तरह के रीजन्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, यहाँ पर रिसाइकलिंग का प्रोसेस है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि मेलपीजियन ट्यूबुल है वो इस रेक्टम पार्ट्स के द्वारा अटैच हो जाती है, तो यहाँ पर जो अवशोषण जो मिलेगा उसके अंदर एक तो पानी का अवशोषण यहाँ पर देखने को मिलेगा, वाटर का अब्जॉर्प्शन, इसके अलावा आयनों का अब्जॉर्प्शन हाइंडगट में देखने को मिलेगा, और इसके अलावा इसमें फिरोमोन का प्रोडक्शंस भी होता है, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट है उसके अंदर रेक्टम वाले पार्ट से फिरोमोन है, विशेषकर जो सेक्स अट्रैक्टेंट वाले जो हार्मोन्स हैं एक्टो हार्मोन्स हैं वो इसके अंदर सिक्रीट होते हैं। कुछ इंसेक्ट में एनस के अंदर गिल्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, वो एनल रेस्पिरेशन में भी जैसे सहायक होती है एनल गिल्स के रूप में, कुछ के अंदर ये जो स्टिंग एपरेटस के रूप में साइफन जैसी स्ट्रक्चर है वो श्वसन के अंदर जैसे सहायक होती है, और कई बार इसका जो रेक्टम वाला जो पार्ट है इसके अंदर सहजीवी जीवाणु भी पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी इसके अंदर पाए जाते हैं,
और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि बैक्टीरिया को रहने के लिए जैसे स्पेस मिल गई और इंसेक्ट को जो प्रोडक्ट होता है, बैक्टीरियल प्रोडक्ट होता है, वो इनको मिल जाता है। तो सहजीवी जीवाणु जो होते हैं वो इस इंटेस्टाइन के टर्मिनल पार्ट्स में जो है वो पाए जाते हैं। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है, बेसिक मॉर्फोलॉजी है इस एलिमेंट्री कैनाल की। तो पाचन तंत्र का पहला जो पार्ट है ये हो गया आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। और आहार नाल के अंदर तीन पार्ट हो गए, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट के अंदर फेरिंग्स, इशोफेगस, क्रॉप, प्रोवेंट्रिकुलस। मिडगट के अंदर स्टोमक हो गया, हिपेटिक सीका हो गया। और हाइंडगट के अंदर इंटेस्टाइन होगी, रेक्टम होगी। और रेक्टम जो होती है ये एनस के द्वारा फिर बॉडी के बाहर जो होती है वो खुल जाती है। अब पाचन तंत्र का सेकंड पार्ट जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड इसमें बहुत सिंपल है, अपने ह्यूमन की तरह नहीं है, कि ह्यूमन में तो क्या है कि लीवर है, पैनक्रियाज है, ये बहुत बड़ी मेजर ग्लैंड्स हैं। माउथ के अंदर जैसे सेलिवरी ग्लैंड्स होती है, अमाशय के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, ड्यूडेनम के अंदर ड्यूओडेनम ग्लैंड्स होती है, इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती है। लेकिन इंसेक्ट में जो ग्रंथियां जो होती है, विशेषकर सेलिवरी ग्लैंड्स होती है इसमें। और इंसेक्ट की जो ग्रंथियां हैं वो दो टाइप की है, एक तो इसमें एसिनार टाइप की होती है, एक ट्यूबुलर टाइप की होती है। तो एसिनार ग्लैंड्स जो होती है ये तो मिलेगी ओडोनेटा के अंदर और ऑर्थोप्टेरा के अंदर। ओडोनेटा में जैसे ड्रैगन फ्लाई है, तो ड्रैगन फ्लाई के अंदर ये पाई जाती है। ऑर्थोप्टेरा में जैसे ये ग्रासहॉपर है, लॉकस्ट है, क्रिकेट है, उसके अंदर ये पाई जाती है। और ट्यूबुलर टाइप की जो ग्लैंड्स हैं ये जनरली डिप्टेरा में पाई जाती है, लेपिडोप्टेरा में पाई जाती है, हाइमनोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है। और कुछ ऑर्डर हैं जैसे कॉलिप्टेरा, कॉलिप्टेरा के सदस्यों में जनरली लार ग्रंथियाँ या तो एब्सेंट होती है या बहुत ही छोटे आकार की होती है। अब इनकी जो बेसिक जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर, एसिनार जो टाइप है वो अंगूर के गुच्छे के जैसी है। हैं सपोज ये मान ली एसिनाई है, सपोज जैसे ये एक एसिनाई, ये दूसरी एसिनाई, ये मान ली तीसरी एसिनाई। अब यहाँ क्या होगा, इस एसिनाई से छोटी कैनाल्स निकलती है, इसी तरह इस एसिनाई से कैनाल निकलती है, ये इसके साथ अटैच हो जाती है, इस एसिनाई से कैनाल निकलती है, ये अटैच हो जाती है। और इनकी फिर जो डक्ट होती है, इसी तरह की और भी स्ट्रक्चर है, और ये कई स्ट्रक्चर अलग अलग डायरेक्शन से हैं जैसे आती है, और लास्ट में मिल के ये कॉमन सेलिवरी डक्ट जो होती है ये बनाती है। और कॉमन सेलिवरी डक्ट जो होती है वो फिर सेलिवेरियम चैम्बर जो होती है उसके अंदर ये क्या होगी, खुल जाएगी। तो माउथ पार्ट्स के अंदर लेफ्ट साइड में जैसे ग्लैंड हैं, राइट साइड में ग्लैंड्स हैं, और दोनों ग्लैंड्स की डक्ट जो है आपस में मिलती है, मर्ज होके कॉमन सेलिवरी डक्ट है बनाती है, और कॉमन सेलिवरी डक्ट फिर सेलिवरी चैम्बर जो होता है उसके अंदर ये खुल जाती है। तो एसिनार टाइप की जो ग्रंथियाँ होगी ये आप ध्यान रखना, एक तो ऑर्डोनेटा में देखने को मिलेगी, ऑर्थोप्टेरा के सदस्यों में देखने को मिलेगी, और ट्यूबुलर टाइप की जो ग्रंथियाँ हैं उसमें इस तरह ये अंगूर के जैसी एल्यूलस जैसी स्ट्रक्चर नहीं है, वो सीधी एकदम नली का है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और वो डायरेक्ट फिर सेलिवरी चैम्बर में जाके खुलती है। तो ट्यूबुलर टाइप की ग्लैंड्स हैं वो डिप्टेरा में जैसे पाई जाती है, लेपिडोप्टेरा में पाई जाती है, हाइमनोप्टेरा में पाई जाती है। और बीटल्स जो होती है, डंग बीटल्स हैं, स्क्रैब बीटल्स हैं, उनके अंदर जनरली सेलिवरी ग्लैंड्स हैं वो एब्सेंट होती हैं। अब सेलिवरी ग्लैंड का जो फंक्शंस हैं, डाइवर्स फंक्शन है, कई तरह के फंक्शंस ये परफॉर्म करती है, उसके मेन मेन हेडिंग जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप जैसे ध्यान से सुन लो। एक तो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं वो भोजन को नम बनाती है, मॉइश्चर। इसके अलावा ये सॉल्वेंट का कार्य करती है, विलाय का कार्य करती है, सलाइवा है वो एक तरह के मीडियम प्रोवाइड करती है, फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करती है। कुछ इंसेक्ट में सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो एक्चुअली लार ग्रंथियों का ही प्रोडक्शन है। तो सिल्क मोथ जैसे बॉम्बिक्स मोराइक में सिल्क का प्रोडक्शन है वो सेलिवरी ग्लैंड्स का ही प्रोडक्शन है। कुछ इंसेक्ट में गोंद जैसे पदार्थ स्रावित होता है, ग्लू, तो ग्लू टाइप का जो सिक्रीशन है
ये भी लार ग्रंथियों का ही प्रोडक्ट है। और कुछ इंसेक्ट में विषाक्त पदार्थ बनते हैं, टॉक्सिन्स जिसको बोलते हैं, इन टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन भी सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा होता है। और कुछ इंसेक्ट में एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस भी इस लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं, जो छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको वो न्यूट्रलाइज करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह ये इसका जो सेकंड पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कितने अमाउंट सीक्रेट होती है, कौन कौन से इसमें एंजाइम्स हैं, किस एंजाइम का कैसे फंक्शंस होता है, वो इसका फिर सेकंड पार्ट है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो अभी तो केवल मैंने मॉर्फोलॉजिकल पार्ट, हिस्टोलॉजिकल पार्ट, एनाटॉमिकल पार्ट ये आपसे डिस्कस किया है। अब इसका जो डाइजेशन जो है वो इसका फिर एक अलग से व्याख्यान में डिलीवर करूँगा। डाइजेशन क्या है, अलग अलग पार्ट में कैसे डाइजेशन होता है, नॉर्मल फूड प्रोडक्ट का डाइजेशन कैसे होता है, अब नॉर्मल फूड सब्सटेंस का डाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि इंसेक्ट है वो तो सब कुछ खाता है, इंसेक्ट केराटिन भी खाता है, काइटिन भी खाता है, सेलुलोज भी खाता है, चमड़ा भी खा जाता है, इसको जो कुछ मिले है एवरीथिंग है, ब्लड भी जैसे खाते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट हैं सेप है वो भी खाते हैं, मरे जानवर हैं उनको भी खाते हैं। तो अब नॉर्मल डाइजेशन मेले को मिलेगा, इसमें देखने को नॉर्मल डाइजेशन देखने को मिलेगा। तो इस पर एक सेपरेट व्याख्यान में आपको डिलीवर करूँगा। और इसी के साथ ये नट सेल में आज का अपना व्याख्यान, और एक बार मैं फिर समरी के रूप में इसको मैं रिपीट कर दूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके दो पार्ट हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और सेकेंड पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल है इसके तीन पार्ट हैं, फॉरगट या स्टोमोडियम, मिडगट या मेजेंट्रोन, हाइंडगट या प्रोक्टोडियम। स्टोमोडियम और प्रोक्टोडियम ये एक्टोडर्मल ऑरिजिन है, जबकि मिडगट जो है ये एंडोडर्मल ऑरिजिन है। इसलिए फॉरगट और हाइंडगट का जो इनर लाइनिंग होगी वहाँ पर क्यूटिकल के लेयर आपको देखने को मिलेगी। फॉरगट के अंदर डिवीजन है फेरिंग्स, इसोवेगस, क्रॉप, प्रोवेंट्रिकुलस। मिडगट के अंदर है स्टोमक और हेपेटिक्सिका। हाइंडगट के अंदर है इंटेस्टाइन और रेक्टम। और ग्लैंड जो होती है ये दो टाइप की है, एसिनर टाइप और ट्यूबलर टाइप। तो ये नट सेल में आज का अपना व्याख्यान, और मैं आशा करता हूँ इस व्याख्यान को आप खूब एंजॉय करोगे, अपने साथियों के साथ शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, पॉपुलराइज करोगे। और इसी के साथ में मेरी तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे महाविद्यालय की तरफ से मैं आप सभी का हाईली थैंकफुल हूँ। चूँकि आज टीचर्स डे है, और टीचर्स डे पे चूँकि अब कोरोना की क्राइसिस के कारण स्टूडेंट यहाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी आप लोगों के लिए मैं एक व्याख्यान की रिकॉर्ड करके आपके साथ में शेयर करूँ। तो इस व्याख्यान को मैं शीघ्र ही मैं आपके साथ यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको मैं शेयर करूँगा। और इसी के साथ आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।